हाय गाइस, मैंने सोचा कि डे टू के मैं जो है वो तुम लोगों को अपना थोड़ा सा जो है वो होटल का रिव्यू करा दूं। तो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ, तो ये तुम देखो, यहाँ के रिसेप्शन में भी तुमने देखा, और ये इसका लॉबी एरिया है। तो काफ़ी खूबसूरत होटल है, और इस होटल में ख़ास बात यही है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें करीब हैं। ये एडम टावर, इस पे लिखा हुआ था, मैंने लिखा हुआ पढ़ दिया, आई टावर। आई डोंट नो अब इनका आई टावर और एडम टावर से क्या मुराद है। वेल, होटल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो करीब में ही है, तो इजीली जो है वो मेरा ट्रैवल हो जाता है। इतना ज़्यादा यू नो दैट मुझे टैक्सी वगैरह में जो है वो तो भाई ये इसका जो है, मैं आ गया हूँ स्विमिंग के लिए जो है वो फ्लोर नंबर 1 है। अच्छा जी, ये 10 से लेकर 12 PM तक जो है स्विमिंग पूल होता है खाली, उसके बाद स्विमिंग पूल नहीं होता। यानी कि आप सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक जितना मर्जी एंजॉय कर लें। तो काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आ सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं बेसिकली, और कनेक्टेड है बहुत सारी जगहों से ही है। अब ये है कि के टावर है, एडम टावर, और ये हो गया आई टावर। तो इन टावर के बीच में जो है वो ये स्विमिंग पूल इन्होंने बनाया हुआ है, और अच्छा व्यू है यहाँ का। और बिल्कुल देखो, वो बुर्ज अल अरबी जो है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये जुमेरा बीच से भी कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये आ गया भाई हमारा रूम, और रूम में घुसते के साथ ही जो है ये कपड़े वगैरह रखने के लिए एक आपको कबर्ड दी हुई है, हैंगर्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये स्लीपर्स हैं वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरी तरफ जो है ये भी कबर्ड ही है, सेफ़ वगैरह, अगर आप अपने पैसे वगैरह करेंसी जो इस पर रखना चाहते हैं। और एक छोटा सा नीचे भी दिया हुआ है बॉक्स, ये हमारे एडिटर साहब बैठे हुए हैं, किसी बच्चोरियों में लगे हुए हैं, और चाय वगैरह के लिए भी जो है वो ये चीज़ें मौजूद हैं, कप कॉफ़ी वगैरह आप बना सकते हैं। और ये हमारे दो बेड हैं, एक मेरा और एक उनका, के ऊपर मौजूद हैं। तो जिस जगह मौजूद हूँ अभी, तो फ़िलहाल जो है वो एक मॉल के सामने जो है वो सामने मौजूद हूँ, जहाँ शेख मोहम्मद साहब की तस्वीर लगी हुई है। और इस एरिया में जो है वो 90.9% होटल्स हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट, ये बेसिकली वॉकिंग स्ट्रीट है, यहाँ ज़्यादातर लोग में जो है वो घूमते फिरते नज़र आएंगे। जलवे शलवे भी थोड़े नज़र आते रहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो जुमेरा बीच तुम कह सकते हो, बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर डिफरेंट लेवल पर हैं। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और चीज़ें जो है वो मैं तुम लोगों को दिखाता भी जाऊँगा। सिंपल एज दैट, बात सारी ये है कि जब यहाँ आते हैं दुबई, तो नज़ारे तो यू नो दैट नज़र आते ही रहते हैं। तो मैं तो थक ही गया हूँ नज़ारे देख देख कर। तो बात सारी ये है कि यार, ये चीज़ें ना, फिर थोड़ा सा मुझे खुशी भी होती है और थोड़ा सा दुख भी होता है कि यार, मतलब अब हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो आजकल जो भी चल रही हैं बच्चोलियाँ, मतलब हर कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरने पर लगा हुआ है, किसी को मुल्क ही नहीं पड़ी। मैं समझता हूँ कराची को, लाहौर को ना इस तरीके का होना चाहिए जिस तरह ये राइट नाउ दुबई है, ठीक है ना, ताकि टूरिस्ट आएँ, सिचुएशंस अच्छी बने अपने, मतलब यू नो दैट। लेकिन वही वाली बात है ना, हमारे मुल्क में वो सोचता ही नहीं है इन चीज़ों को। हम अब अपने ही एक सिचुएशन लेवल में पड़े हुए हैं। खैर, एनी हाउ, ये तुम देखो उधर जुमेरा बीच जो है ये नज़र आ रहा है, जिसे यहाँ से भी जाया जा सकता है। तो जुमेरा बीच भी नज़र आ रहा है, और ये मैंने तुम लोगों को बताया कि ये मॉल है, इसमें मॉल भी है, ऑफिसेज वगैरह भी बने हुए हैं, और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी है। तो डिफरेंट जो है वो सिचुएशन थोड़ी इधर
बनी हुई है। लाइकली चीज़ें हैं बहुत बेहतर। आज के अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, वैसे तो इवनिंग टाइम है, तो इस वक्त जो है वो 28 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है। तो यहाँ गाड़ियाँ भी हैं और जो है वॉकिंग रोड्स भी बने हुए क्रॉसिंग, तो उसूल नाम की जो है ना वो चीज़ें नज़र आती हैं यहाँ पर। एक तो जगह जगह भी अभी कराची होता ना या कोई और शहर होता पाकिस्तान का, तो यहाँ यकीनन हम देखते कोने पे ना बैगर्स बैठे हुए होते या हेरोइन ची नशेड़ी बैठे हुए होते, लिटरली ये कंडीशन होती। मगर यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और ओपनली बैठे हुए हैं लोग, ये देखें आप इंजॉय कर रहे हैं अपना मील। लेकिन अगर हम बात कर लें, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात कर लें स्पेशली कराची की, तो आपकी फटी पड़ी भी होती कि भाई कहीं मोबाइल स्नैचिंग ना हो जाए। अजीब चोरियाँ होती हैं, ये जो इतना साफ़ सुथरा नज़र आता है, यहाँ पान की पी के पड़ी हुई होती हैं, तीन सिगरेटें पड़ी हुई होती हैं फूकी हुई। ये एक म्यूज़ियम टाइप कह लो या विला कह लो बना हुआ, जो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है इसको। अलग सिचुएशन है। और ये छोटी सी जो है वो केबिन बना हुआ है, वॉकिंग स्ट्रीट है। यहाँ पर लोग जो है ज़्यादातर जो है वो इवनिंग और नाइट, बेसिकली तो नाइट लाइफ ही होती है इस जगह की, तो नाइट में जो है वो फुल रौनक लगी हुई होती है यहाँ पर। पब्लिक इंजॉय कर रही होती है, बच्चोदियाँ चल रही होती हैं और माहौल जो है वो अच्छे तरीके का, यू नो दैट हाई प्रोफाइल लेवल का बना हुआ होता है। और अगर ये देखो, अब ये बीच में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो तरीक़ेकार है वो, देखो उस चीज़ को टोटल उन्होंने कवर किया हुआ है। अभी पाकिस्तान होता तो कद्दू सिर्फ चार हरी चादरें लगी हुई होती हैं और चल मेरा भाई। अगेन लोग कहेंगे कि ओ भाई ये देखो ये तो कंपैरिजन कर रहा है, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मुझे कोई शौक़ नहीं है कंपैरिजन करने का। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि चीज़ें हमारे यहाँ भी बेहतर हो सकती हैं, जब यहाँ बेहतर हो सकती हैं तो हमारे यहाँ भी बेहतर हो सकती हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। मगर और ये मेरे सामने जो है वो मेरी तो फेवरेट नहीं है, लेकिन बहुत से लॉन्डो की फेवरेट है लंबरगिनी, जो यहाँ पर इस वक्त खड़ी हुई और बड़ी पप्पू कलर है इसका, ऑरेंज कलर में जो है वो ये है लंबरगिनी। मुझे ये पसंद है, लेक्सस वैसे आपस की बात है। और ये बस अच्छा एटमॉस्फेयर है, घूमे बंदा चिल मारे एंजॉय करे। अब ये वॉकिंग स्ट्रीट में इसमें ये है कि एक तो आपके पैसे नहीं लग रहे, अपनी टांगों पे आप खुद चल लें, नज़ारे अच्छे मिल रहे हैं आपको। और यहाँ ना लिटरली इतनी वंडरफुल इवनिंग है, इवनिंग वंडरफुल हो ना हो, लेकिन वही वाली बात है कि बंदा एंजॉय करता है चलते हुए, मतलब आपको तफरी आती है। आप अकेले भी हों तभी भी आप बोर नहीं होंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, माहौल अच्छा बना हुआ है। और अकेले से दुखेले हों आप और अच्छी बात है, क्योंकि फिर तो ये है कि और ऐसा किताब होता है, आप बंदा एंजॉय करता हुआ जा रहा होता है। मतलब ये देखें चीज़ें, एलिवेटर्स लगे हुए हैं, ये ऊपर जाने का है मेरे ख्याल से कोई होटल है या रेस्टोरेंट वगैरह ऊपर बना हुआ है आई थिंक, तो वहाँ जा सकते हैं। और ये बराबर में 3D सिनेमा भी जो है मौजूद है। और ये अगेन जो है क्रॉसिंग आ गई है, और जहाँ बंदा इधर कदम रख देता है तो फिर गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ती हैं, तो एक बड़ा बेहतरीन निज़ाम है पाकिस्तान। अगेन फिर वही वाली बात है, पाकिस्तान वाली नहीं कि भाग के मैं रोड क्रॉस कर लूँ। चीज़ें जो हैं वो बस यू नो दैट हाई प्रोफाइल लेवल बनी हुई हैं। सामने भी होटल है मेरे, 5 स्टार, और ये सिनेमा भी है सामने, और स्ट्रीट है पूरी, शॉप्स वगैरह यहाँ पर हैं, स्टोर्स कह सकते हैं आप, जिस तरह हमारे यहाँ चेस वगैरह होता है उस टाइप की चीज़ें हैं। ये अगेन ऊपर जाने के लिए जो है वो एलिवेटर्स वगैरह लगे हुए हैं। नॉट सिचुएशन है, तो बंदा इन्जॉय करता है चीज़ों को, वेदर भी थोड़ा सा अच्छा है। फिर आप ये देखें कुछ कुछ न्यूयॉर्क सिटी की जैसी जो है वो यादें दिलाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट के वहाँ पे भी
टाइम स्क्वायर जो है वो कुछ इसी तरीके का बना हुआ है, इसी तरह LEDs वहाँ पे चारों तरफ लगी हुई हैं, तो कुछ कुछ ये भी ऐसा ही मंजर पेश कर रहा है। और द बीच, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया है कि बिल्कुल इसके बैक साइड पर जो है वो जुमेरा बीच है, जिसकी वजह से यहाँ फॉरनर्स ही जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और ये आउटलेट्स वगैरह हैं बने हुए यहाँ पे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ऑफ कोर्स, और भी इस किस्म की जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं और चीज़ें मिलती हैं। Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown. Tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 lo. You got me like, oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 lo. Yo, you sweet life, oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 lo. Calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown. Tell me no, 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 oh, 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 me like oh 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 give me your lo 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 another banga yeah so high oh 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 give me your lo so high lo 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 oh 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 me like oh 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 give me your lo so high. वो लेवल का है ये माहौल, अगर पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान को दे पाएँ, वॉट एवर वो कोई भी हो इस वक्त हुकूमत में, इस तरह का माहौल दे पाएँ, तो इस तरह से मुरादी बच्ची जो सामने नजर आ रही है, इस लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ और एतराफ़ के एटमोसफेयर की बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो यार क्या से क्या हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। चीज़ें सोचने वाली हैं लेकिन वाकई कोई सोचता ही नहीं है, हर कोई अपनी बच्चोदियों में लगा पड़ा हुआ है। अब यहाँ ये देखो, ये भुट्टे भून रहे हैं और भी कुछ चीज़ें हैं, 2.5 टर्म्स और ब्राइट बहुत है, और एनी टाइम आपको यहाँ पर रश इस तरह मिलेगा। टॉय शॉप है और कुछ नॉट ओनली टॉय शॉप, इसमें कैब्स वगैरह भी हैं, कुछ शो पीसेस वगैरह बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं जो दुबई को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज़ें गोरों का बड़ा इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में, वो ये चीज़ें लेते हैं। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें बड़ी आम मिलती हैं, खजूर के दरख्तों में जगह जगह नज़र आएंगे, और ये रिप्रेजेंट करते हैं दुबई को बहुत ज़्यादा, खजूर के दरख्त जो हैं वो जगह जगह नज़र आएंगे। लेकिन यार मैं ये कहता हूँ कितना मैनेज तरीके से चीज़ों को बनाया हुआ है और मेंटेन भी हो रहे हैं और मैनेज भी किया जा रहा है। मतलब देखो पूरा गोरे जो है बाहर के फॉरेनर्स कुत्तों की तरह जो है वो यहाँ का विज़िट करते हैं दुबई का और यहाँ पर आते हैं। मतलब अब ये देखो किस लेवल पे पहुँचा दिया वो मुल्क जो किसी ज़माने में सिर्फ सहरा था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल डेवलप हो जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दिन आप मेरे ख्याल से महीना भी आए ना यहाँ पर, तो पूरे दुबई का इकट्ठा टूर जो है वो करना मेरे हिसाब से जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये बेवरेजेस की एक शॉप है जहाँ पे आइसक्रीम्स भी हैं और
مختلف قسم کے ڈرنکس وغیرہ بھی ہیں اور بھی بہت ساری سچویشن ہیں. تو مزہ تو آ رہا ہوگا تم لوگوں کو, مجھے بھی مزہ آ رہا ہے واقعی. چلتے چلتے جو ہے نا یہ فریش جوسیز ہیں, اور اگر ان کی پرائز دیکھوں تو یہ نارمل 5 درہم 4 درہم 6 درہم کچھ اس طریقے سے ہیں. تو یہ دیکھو کتنا خوبصورت سیٹنگ ارینجمنٹ بھی یہاں پر دیا ہوا ہے. بلو لائٹس, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ڈانس پارٹی ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ایٹماسفیئر ہی یہاں کا اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے. یہ انہوں نے پاکستانی آلٹر رکشہ یہاں لا کے کھڑا کر دیا, آئی تھنک کچھ کچھ مشابہت رکھتا ہے اس سے, لیکن ہے نہیں ویسا, لیکن کچھ کچھ مجھے ویسا ہی لگ رہا ہے, لیکن ٹوٹل وہ چیز نہیں ہے. خیر اینی ہاؤ, تو اب آگے کی چیزیں جو ہیں وہ تم لوگ سنیمیٹک میں دیکھو. آج ڈے 2 تھا, تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں باقی کی چیزیں سنیمیٹک میں. Calm down. Yo, this your body, he put in my heart for lockdown, for lockdown. Tell me no, oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, oh, 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 oh. You got me like, oh, 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 oh. Baby, come give me your lo. Yo, you sweet life, oh, 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 oh. You gon' give me your low.